नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ऐसे बहुत ही कम ही लोग होंगे जिनका यूपी टेट या सी टेट में से कोई न कोई एग्जाम न निकला हो। अर्थात बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनके पास या तो सी टेट की डिग्री है या तो उनके पास यूपी टीटी की डिग्री है। अभी आप लोगों ने यूपी टेट 2022 को दिया, बहुत से लोगों का अच्छा पेपर भी गया है, क्योंकि 2017 का रिपीट पेपर था तो पुराने वर्षों के पेपर को जिन्होंने रिपीट किया तो अच्छा मार्क भी उनका आया है। और वैसे भी पेपर ठीक ठाक होने की वजह से बहुत से लोग बता रहे हैं कि पेपर अच्छा गया है। अर्थात मुझे बहुत कम कमेंट ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिनका टेट नहीं निकला है, अन्यथा बहुत से लोगों ने टेट को अपना निकाल भी लिया है। अब कुछ लोग परीक्षा में अगर बैठने नहीं पाए होंगे या लेट लतीफ के चलते तो उनका वही रह गए होंगे, या किसी रीजन से बहुत से लोगों ने परीक्षा नहीं देने को पाए हैं। अर्थात मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे कहे कि महाराष्ट्र में है, आ नहीं पाए, तमाम प्रकार की चीजें थी। तो उन्हीं लोगों के लिए यह है कि आने वाली जो नई शिक्षक भर्ती है, अब उनमें कैसे उनको भी सम्मिलित होना है, अर्थात वो कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब प्रशिक्षु आई नहीं है। अब एक आशा यही जग रही है कि चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। सरकार ने 51,112 पदों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में कहा भी था, फिर बीच में 17,000 शिक्षक भर्ती की भी चर्चाएं होने लगी थी। तो तमाम प्रकार की चीजें जो निकल करके आ रही हैं, इससे यही है कि चुनाव के बाद एक शिक्षक भर्ती अवश्य देखने को मिलेगी। तो जिनका यूपी टेट या सी टेट निकल गया है उनके लिए तो बेहतर है, वो शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग भी गए होंगे और आगे वह अपना प्रयास अच्छा करके शिक्षक बन भी जाएंगे। लेकिन जो अभी पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाया है, अर्थात जो यूपी टेट या सी टेट में से जिनका नहीं निकला है, अब उनके लिए क्या होगा? अब जैसे शिक्षक भर्ती से पूर्व यूपी टीटी का आयोजन होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यूपी टीटी अभी हुई है और शिक्षक भर्ती अब प्राथमिकता यह रहेगी कि शिक्षक भर्ती हो। तो जिनका नहीं निकला है और सी टेट को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन माध्यम से बहुत से लोग गए भी नहीं है, बहुत से लोग गए तो बढ़िया से कर नहीं पाए, तो तमाम प्रकार की समस्याएं आ गई हैं। तो अब उनके लिए क्या विकल्प है? तो साथियों, अभी भी एक अवसर है, अगर अच्छे से आप लोग तैयारी करके उस अवसर का लाभ ले लीजिए तो अच्छा ही होगा। जैसे कि आपको पता है कि सी टेट दो बार होता है, वर्ष में सी टेट की परीक्षाएं दो बार होती हैं। तो जो जुलाई में जो सी टेट का एग्जाम होगा, जुलाई में एक होता है, तो उसके लिए आप लोगों को जिनका नहीं निकला है वो लोग अपना कमर कस के तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें। जिनका आवेदन मार्च अप्रैल में आप लोगों को पता है कि आ जाता है, तो आवेदन चाहे जब आए लेकिन परीक्षा लगभग जुलाई तक होती है, तो उसकी तैयारी में लग जाएं। वैसे बहुत ही कम ही लोग होंगे मुझे लग रहा है, लेकिन जो भी लोग हैं तो मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो जाएं। वहां सम्मिलित हो जाएंगे तो कम से कम ये संतोष हो जाएगा कि हम शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे, और अगर बढ़िया तैयारी रही तो शिक्षक भी बन जाएंगे। तो यही अवसर है साथियों, और जिसके आपको पता भी है कि शिक्षक भर्ती की काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही है, और चुनाव के बाद सब प्रशिक्षु मांग भी करेंगे सरकार से, कोई बैठा तो है नहीं, अभी भी लोग प्रयास कर ही रहे थे तमाम जो जिस तरह से कर सकते थे। अब इधर चुनाव की सूचना जारी हो गई है तो इधर तो कुछ हो नहीं सकता है, चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा। तो मेन चीज़ यही है कि जब तक यूपी टेट और सी टेट होगा नहीं, या जिनके पास सर्टिफिकेट होगा नहीं, तब वो आगे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कैसे हो पाएंगे, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। तो एक अवसर वही सी टेट का है, अब मेहनत करेंगे, पुराने वर्षों के पेपर को लेकर के सी टेट का तैयारी करिए, फिर यूपी टेट के भी पुराने वर्षों का तैयारी कीजिए। तो अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे। और अभी तक यूपी टेट और सी टेट का कोई केवल क्वालिफाई होने से मतलब है, इसके मार्क की कोई बात भी नहीं है। तो अगर तैयारी कर लेंगे और निकल जाएगा तो अगले शिक्षक भर्ती में सम्मिलित भी हो जाएंगे। तो आप लोग जुलाई वाले सी टेट की तैयारी करें, जिनका नहीं निकला है और जिन्होंने निकाल लिया है यूपी टेट या सी टेट में, दोनों में से कोई भी निकाल लिया है, अगर सी टेट निकाल लिया तो भी मान्य है, यूपी टेट भी मान्य, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो लोग शिक्षक भर्ती का सिलेबस निकाल करके अपनी अच्छी तैयारी करें, क्योंकि तैयारी अच्छी रहेगी तभी सिलेक्शन होगा,
क्योंकि प्रतियोगियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, ज्यादा लोग सम्मिलित होंगे उसमें, तो अच्छी तैयारी रहेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अवसर बार बार नहीं आता है, लेकिन जो अवसर आया है उस अवसर का लाभ लेने के लिए अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है। तो कृपया अच्छी तैयारी करें और शिक्षक बने, मेरी शुभकामनाएं, आप लोग साथ रहेंगे, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ऐसे यूट्यूब वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।